5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि टाइम हमारे अनुकूल नहीं था। कोविड की बहुत बड़ी महामारी आई, उसमें भी हम सफल हुए। 47,000 से ज्यादा भू माफिया और गुंडे आज जेल में हैं। 2,000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कार्रवाई करी है वो भी बहुत सराहनीय है। और युवाओं, नौजवानों को बिना सिफारिश जो नौकरियां मिली हैं, आज यूपी में कम से कम 39 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि कितने सारे गरीब जो आयुष्मान और स्वास्थ्य रक्षा कवच की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। 5 साल में करीबन 2.5 करोड़ शौचालय बने हैं, 43 लाख लोगों को पक्का घर मिला है, 2 करोड़ गैस कनेक्शन, 15 करोड़ लोगों को डबल राशन मुफ्त मिल रहा है और करीबन 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला है। ये हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। विशेषता मुझे ये भी बात कहनी है कि बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्त प्रदेश भाजपा की सरकार में है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहती हूं कि आजकल कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं, ये एक बहुत फेमस आर्टिकल है अभी, कि पंजाब में क्या बेटियां नहीं है, लड़कियां नहीं है? और वहां पे इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उनकी प्रदेश की महिला अध्यक्ष बलवीर रानी सोढ़ी, उन्होंने कहा कि पार्टी में किस तरह से महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, एक टिकट नहीं दी गई। तो क्या सिर्फ चुनावी, क्योंकि यहाँ पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहाँ पर लड़की हूं लड़ सकती हूँ? और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारा पड़ोसी जो उत्तराखंड है उसकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है वो भी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में आई है क्योंकि वो भी वहां प्रताड़ित महसूस कर रही थी। तो इस तरीके की जो राजनीति है कि सिर्फ प्रियंका जी जो सिर्फ स्लोगन दे देती हैं, करना नहीं है कुछ, स्लोगन की राजनीति करनी है, तो स्लोगन की राजनीति से कुछ नहीं होगा। उससे हाँ हो सकता है आप जैसे अच्छे मीडिया भाइयों का कवरेज जरूर मिल जाए, पर देश जानता है कि विकास कौन कर रहा है। विकास सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ है, दिख रहा है, होगा, और 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, सबसे पहले आप सभी का आभार। हम सब पुनः इकट्ठा हुए और लोकतंत्र का तकाजा यही है कि हम लगातार आपसे बात करते रहे, अपने दिल की बात रखते रहे, मन की बात रखते रहे और आप हमें हमारे बारे में भी बताते रहे कि हमें क्या आगे और करना है। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहूंगा 2012 में जिनको सत्ता उत्तर प्रदेश की जनता ने सौंपी थी, वो लोग आज बदलाव की बात कर रहे। 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश का क्या हाल था आप सबको भी पता है और जनता को भी पता है। उन्होंने सत्ता में आने के बाद क्या किया ये किसी से छुपा नहीं,
उन्होंने जो वादे किए थे उसको कचरे में डाल दिया और कहानी बदलाव की नहीं लिखी, उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की लिखी, उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूट करने की कहानी लिखी और कहानी लिखी युवाओं को, नौजवानों को जो नौकरियां मिलनी थी उनकी लूट की कहानी लिखी। आप सबको याद है उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है वो प्रयागराज में स्थित है, उस समय के छात्रों ने लोक सेवा आयोग को नाम बदल दिया था और उसके लोक सेवा पे आगे लोक हटा करके एक विशेष नाम लिख दिया गया, किसी से छुपा नहीं, आप सबको याद है, मीडिया फुटेज आप निकालोगे मिल जाएगा। मतलब नौजवानों को एग्जाम के नाम पर उनकी प्रतिभा से खिलवाड़ किया गया, पैसे लेकर खुलेआम बड़े बड़े पदों पर भर्ती की गई और सूची निकलती थी तो लगता था एक ही गांव के लोग हैं, एक विशेष गता पात्र लोग हैं और उनसे भी पैसे की लूट की गई, दोहन किया गया। हद तो तब हो गई जब कैबिनेट में उन्होंने बलात्कारी को कैबिनेट का ओहदा देने का काम किया। आपसे छुपा नहीं है, 15 दिन पहले उसे बर्खास्त किया, 15 दिन बाद फिर उसे कैबिनेट का दर्जा दिया, पहले राज्य मंत्री से बर्खास्त किया। और घोटालों की जहां तक बात है, एक लंबी फेरिस्त घोटालों की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई थी। खनन घोटाला किसी से छुपा नहीं, उसके अभियुक्त आज तक जेल में है। पेंशन घोटाला किसी से छुपा नहीं है, छात्रवृत्ति घोटाला किसी से छुपा नहीं है, राशन घोटाला हुआ जो गरीबों का अन्न है, गरीबों का राशन है, लैपटॉप घोटाला हुआ, कितने लैपटॉप आए थे, कितने बटे और उनमें कितना पेमेंट हुआ, पूरी तरह से भ्रष्टाचार, सरकारी संसाधनों को, जनता के पैसों को लूटा गया। शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाला, आप जानते हैं कि जो हमारे एससी एसटी समाज के भाई हैं, जो ओबीसी समाज के हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हमारी सरकार शुल्क प्रतिपूर्ति करती है, फर्जी नामों से पैसे निकाले गए, एससी एसटी ओबीसी के नाम से करोड़ों रुपए डकार करके सरकारी संरक्षण में इन लोगों ने खुलेआम लूट करने का काम किया था। कन्या विद्याधन घोटाला, उसके नाम पर करोड़ों रुपए लूटे गए, किसी से छुपा नहीं। हद तो तब हो गई जब लखनऊ जो राजधानी है प्रदेश की, गंगा को हम मां मानते हैं और गोमती को भी उसी तरह मां गंगा की तरह ही हम लोग पूछते हैं लखनऊ के लोग, पूरी गोमती नदी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, पूरी तरह से रिवर फ्रंट घोटाला आज सुर्खियों में है। आप जानते हैं कि कार्रवाई प्रचलित है, अरबों रुपए की लूट हुई, पैसे कहां गए किसी को आज पता नहीं है। हद तो हो गई, पूरे हिंदुस्तान में आज कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि कहीं अपना घर बनाना चाहता है, आसियाना बनाना चाहता है, तो बेस्ट डेस्टिनेशन मानता है नोएडा को, और उत्तर प्रदेश की नाक है नोएडा। नोएडा अथॉरिटी को गिरवी रखने का काम तत्कालीन सरकार के लोगों ने किया था और कौन लूट रहा था किसी से, उत्तर प्रदेश की जनता से छुपा नहीं और मीडिया के हमारे मित्र जानते हैं। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने लोहिया ग्राम योजना चलाई, लोहिया जी के नाम पर, जिनके नाम पर पूरा दल चलाने का नाम करते हैं लोहिया जी। मैं याद दिलाना चाहता हूं अंबेडकर नगर के बहुत ढेर सारे पत्रकार मित्र यहां होंगे, लोहिया जी अंबेडकर नगर से संबंध रखते थे। एक बार लोहिया जी के आवास पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रुकने के लिए गए यात्रा के दौरान, तो उन्होंने सुबह उठकर स्नान करने के बाद कंघा मांगा। लोहिया जी ने कहा कि हम समाजवादी, हमारे पास कंघा नहीं है, और इन समाजवादियों को आप याद करिए, इन समाजवादियों के पास तो टाटा की कोई गाड़ी भी नहीं होती, मर्सिडीज गाड़ी, एमएट गाड़ी, जिस यात्रा से, रथ यात्रा से यात्रा कर रहे हैं वो भी मर्सिडीज ने बनाई है। आप सबको पता है किसी से छुपा नहीं, किस समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद इनका ठकोसला है, नाटक है, केवल जनता को गुमराह करने के लिए समाजवाद है। ये समाजवादी नहीं, ये लूटतंत्रवादी है। इन्होंने पूरी तरह से लुटेरों को, आतंकियों को, उत्तर प्रदेश के जो माफिया है उनको इकट्ठा करके एक योजनाबद्ध तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटने के लिए एक योजना बनाई और जनता के बीच में निकल करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही समझदार हैं, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने तय करा दिया, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, कि आज जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, वंचित आदमी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको निःशुल्क आवास देने का काम किया। हमारे मन में आसियाना एक पाने की इच्छा होती है, आपके मन में होती है, हर गरीब के मन में इच्छा होती है कि अगर बड़ा आदमी पक्की छत के नीचे रह रहा है तो हम तो झोपड़े में पैदा हो लेकिन हमारा बेटा झोपड़े में न रहे,
वो भी उसके लिए पक्की छत चाहता है। दुनिया में किसी ने नहीं सोचा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में योजना लागू की कि कोई गरीब अब अगर पक्के मकान के नहीं रहेगा। सबको मकान देने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया और सबको मकान दे रहे हैं हम लोग, सबके लिए शौचालय। याद है दोपहर को क्या होता था, अगर बहु बेटी का पेट खराब हो जाए, किसी बुजुर्ग का बीमार लग जाए तो उसको रात में इंतजार करना पड़ता था। और सड़क के किनारे जब हमारी बहन बेटियां बैठती थी, बहुएं बैठती थी, तो गाड़ी की जब हेडलाइट आपकी पड़ती थी तो उनको किस व्यवस्था से खड़ा होना पड़ता था, ये तथ्य शर्म झुक जाता था। आजादी के 70 साल के बाद हम उन्हें नहीं दे पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की, सबको शौचालय देने का काम किया। कोई बीमारी घर में लग जाए तो क्या होता था, गहने बिक जाते थे, खेती बिक जाती थी, घर बिक जाता था। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज आदरणीय प्रधानमंत्री देने का काम, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हर गरीब आदमी के जीवन स्तर में उत्थान हो, वह सम्मान से जी सके, मुख्य धारा में रह सके। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है, वास्तव में अगर किसी ने लागू करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे चरितार्थ करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के लोग लूटने की योजना बना रहे, डिस्टर्ब करने की योजना बना रहे। हमने जब उनकी सूची देखी, आपके समक्ष में आया था, जब प्रत्याशियों की सूची देखी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, खनन घोटाला, निरंतर मैं बताऊं मनी लॉन्ड्रिंग तक के आरोपों को आपने टिकट दे दिया। आप कहना करना क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, और सहयोगियों के साथ व्यवहार क्या है आप सब जानते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को कानून का राज स्थापित करने वाले, उत्तर प्रदेश में अमन चैन लाने वाले, उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट विकास के मोर्चे पर चतुर्मुखी विकास की ओर ले जाने वाले भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय योगी जी को, और विशेष रूप से मैं याद दिलाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे हुए थे, लेकिन कुछ दंगों की याद आपको भी होगी क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट में कई बार दंगों की चपेट में आके कवरेज करने के लिए। मुजफ्फरनगर दंगा पूरी दुनिया में फेमस हुआ था, सहारनपुर दंगा किसी से छिपा नहीं है, मथुरा में भी दंगा हो गया और मऊ में भी दंगा हुआ था, और लखनऊ की सड़कों पर क्या हुआ था आप लोगों को लखनऊ के रिपोर्टर जानते हैं। 1000 से अधिक लोग हाथों में कांटा, बल्लम, लाठी लेकर के और हजरतगंज चौराहे तक आ गए थे, किसी से छुपा नहीं, और समाजवादी पार्टी के लोग सरकार में बैठ करके तालियां बजाने का काम कर रहे, क्लैपिंग कर रहे। हमारा चेहरा संघ से गुजर राजधानी में तांडव हो रहा है। इसलिए मैं मित्रों आपसे अपील करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जनमानस को हमारी बातें पहुंचाएं और उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम रखने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए, विकास के हर मोर्चे पर बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला प्रदेश बनाने के लिए कमल फूल के आगे बटन दबाकर के हमें ऐतिहासिक मतों से सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील हमारी प्रदेश की जनता तक पहुंचाएं और हमें पुराना आंकड़ा 300 पार दिलाएं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। मैं बता देता हूं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है और जो मैंने आरोप लगाया, अपराधी कौन होगा ये जनता तय करती है और थाने की हिस्ट्री शीट तय करती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो सूची जारी की है उसमें दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनकी हिस्ट्री शीट है, रजिस्टर नंबर 8 पर उनका नाम दर्ज है और उनको पुलिस निगरानी में रखी है। हमारे पास जो प्रत्याशी की सूची दर्ज, जिस पर वो कमेंट कर रहे हैं, जो सामाजिक आंदोलनों के दौरान मुकदमे दर्ज होते हैं, वो भी भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज होते हैं। जैसे सरकारी काम में बाधा के 332 का मुकदमा, जैसे रैंपेज का मुकदमा, सड़क जाम करने का मुकदमा, ये सब मुकदमे राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज हुए हैं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता माफिया की श्रेणी में नहीं आता, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता, और सामाजिक रूप से सब लोगों का आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश जनता का आशीर्वाद हमारे पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त। और इस तरीके की बात आप लोगों के मन में क्यों आ रही है ये मुझे नहीं पता, पर हमारी पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी जिस भूमिका में हूँ मैं आपको उसी चीज का उत्तर दे सकती हूँ, पर अभी मैं यहाँ पे जिन मुद्दों को उठाने आई हूँ मैं उसी बात पे बात करूँ। मैंने विनोद जी कोई इस तरीके की बात नहीं कही थी, आप उस इंटरव्यू को कृपया ध्यान से सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं, ठीक है, हर विरोधी इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे तो क्या उनके बयान हम लोग जो है सीरियस ले लें क्या? अभी आपको पाठक जी ने उत्तर दिए, एक बात मैं और बता दूं कि अभी आप लोग हमें पूछेंगे घंटे बाद, आप सभी को
आप सभी को फिर हमारे पास कुछ पूछने के लिए आना पड़ेगा, तो मेरे पास सूचना आ गई, मैं जवाब पहले ही दे रहा हूँ। कानपुर में एक दलित कार्यकर्ता को, दलित व्यक्ति को पूरी तरह से पीटा गया है और समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीटा है। बहुत ही दुखद घटना है। अभी तक ये ऐसे लोगों को सड़क पर तांडव कर रहे थे, प्रेस पर हमला कर रहे थे, अभी कल की घटना प्रेस वाले को पीटा गया, किसी से छुपा नहीं। आज कानपुर के अखबारों में छपा है कि दलित बुजुर्ग को पीटा गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, कार्रवाई की मांग करता हूँ। निर्वाचन आयोग को कहता हूँ, ऐसे दलित समाज को पीटने वाले को बहिष्कृत करने का काम करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और मैं भरोसा दिलाता हूँ दलित समाज को कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होगी। उनकी सम्मान की रक्षा करने के लिए हम लोग सड़कों पर निकलने से पीछे भी नहीं हटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद, क्योंकि अभी हम जाएंगे तो एक नया बितंडा खड़ा होगा, चुनाव के बाद हम दलित के घर जाएंगे, उसका सम्मान करेंगे और जिन लोगों ने पीटा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।